नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल भी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा डेली क्लास रहता है भी सुबह 10 बजे, जिसमें हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और उस जनरल साइंस में हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है फिजिक्स। 12 क्लासें अपनी हो चुकी है, प्रत्येक क्लास में हम 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। 11 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी 12 नंबर क्लास है। वो 11 क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वो क्लासें देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। क्वेश्चन है, लाल हरा व नीले रंगों का बराबर अनुपात में मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है। लाल, नीला, हरा या फिर सफ़ेद। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, अगर हम इनको बराबर रेशियो में मिलाएंगे तो हमें श्वेत रंग प्राप्त होगा भी, ठीक है। श्वेत रंग प्राप्त होता है, यानी डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लाल और पीकॉक ब्लू मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। लाल रंग या फिर सफ़ेद रंग या फिर नीला रंग या फिर पीला रंग। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, लाल और पिकॉक ब्लू मिलाने पे हमें श्वेत रंग प्राप्त होगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, लेंस के दोनों तलों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। लेंस की मुख्य अक्ष या फिर लेंस का प्रकाशिक केंद्र या फिर लेंस का फोकस तल या फिर लेंस की फोकस दूरी। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, लेंस का मुख्य अक्ष बोला जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में, फोटो कैमरा में या फिर उपरोक्त सभी में। तो उत्तल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है वो उपरोक्त सभी में किया जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अवतल लेंस का प्रयोग है वो गैलीलियो के दूरदर्शी में किया जाता है अवतल का, ठीक है। और उत्तल लेंस का सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, दूरदर्शी में और फोटो कैमरा में किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, पेरिस्कोप में किस प्रकार के प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। समकोणीय प्रिज्म का, त्रिकोणीय प्रिज्म का, समानांतर प्रिज्म का या फिर वर्गाकार प्रिज्म का। तो 5 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा, पेरिस्कोप में किस प्रकार के प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो समकोण प्रिज्म का, समकोणिक प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछ ले भी कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, कौन सा लेंस होता है, तो कैमरे में उत्तल लेंस होता है भी, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। 6 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, कौन से रंग के तारे का प्रकाश सबसे अधिक ताप प्रदर्शित करता है। लाल रंग का तारा या फिर नीला प्रकाश या फिर पीला प्रकाश या फिर काला प्रकाश। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, नीला प्रकाश, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि सबसे अधिक ताप प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक किस अंग में होता है। सर्वाधिक किस अंग में, सॉरी यहाँ पे अंग नहीं होगा, किस रंग में होगा ये होगा, ठीक है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सर्वाधिक किस रंग में होता है, बैंगनी, पीले, लाल या फिर नीले। तो आपका राइट आंसर होगा, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन है वो सर्वाधिक होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब बैंगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है और लाल रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन है वो कम होता है, न्यूनतम होता है। 8 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्न में से पूरक रंग बताना है आपको। पूरक रंग कौन सा है, लाल व पीकॉक नीला, नीला व पीला, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। लाल प्लस पीकॉक नीला
ये भी पूरक रंग के अंतर्गत आता है। नीला और पीला है, ये भी पूरक रंग के अंतर्गत आता है। पूरक रंग वे रंग होते हैं जिनके दो रंगों को मिलाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता है। दो रंगों को अगर हम मिलाएंगे तो हमें सफ़ेद रंग या फिर श्वेत रंग प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपके सामने है, यदि एफ बराबर एक मीटर हो तो लेंस, तो क्षमता बतानी है आपको, तो क्षमता यानी लेंस की क्षमता कितनी होगी, एक डायोप्टर, तीन डायोप्टर, दो डायोप्टर या फिर 0.5 डायोप्टर। अब आपको पता है लेंस की क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, वन पी अपॉन में क्या होता है, 1/f होता है। f का मान आपको पास में एक है तो एक अपॉन में एक यानी एक डायोप्टर हो जाएगा, एक अपॉन में एक यानी एक डायोप्टर, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, 10 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने। क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है तो प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होगा, 1.6, 2 या फिर 1.5 या फिर 3। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1.5, ठीक है, 1.5 यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को समस्या होती है दूर की वस्तुओं को देखने में या फिर पास की वस्तुओं को देखने में या फिर ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उसमें समस्या उत्पन्न होगी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। कोई भी व्यक्ति है अगर उसके निकट दृष्टि दोष है तो उसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, और दूर दृष्टि दोष है तो उसे निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अभी 12 नंबर क्वेश्चन देखो, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, यंग या फिर मैक्सवेल या फिर ग्रेमाल्डी या फिर फोकाल्ट। तो 12 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ग्रेमाल्डी ने। ग्रेमाल्डी ने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, 13 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस होगा जब आभासी प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है, जब आभासी प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जब आभासी प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है, जब आभासी प्रतिबिंब का आकार है वो छोटा होता है तो क्या होगा, अवतल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन देखो, दो डायोप्टर तथा चार डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों के संयोग की तुल्य क्षमता क्या होगी, संयोग की तुल्य क्षमता क्या होगी। तो आपका राइट आंसर होगा 6 डायोप्टर होगी भाई, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, 6 डायोप्टर आपका राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, 15 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, उपयुक्त सभी। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा एक अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, भी एक अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, एशिया का विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है, एशिया का विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है बताओ, नरोरा में, कवालूर में या फिर कालापुरा में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कवालूर में है, ठीक है। एशिया का विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ पे है, तो परावर्ती दूरबीन है वो कवालूर में है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में ही घटित तो नहीं होगी, प्रकाश और ध्वनि दोनों में ही घटित नहीं होगी, विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ध्रुवण की जो घटना है वो न तो प्रकाश में होती है और न ही ध्वनि में होती है। अगला क्वेश्चन देखो अभी, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कॉर्निया का यहाँ पे दान किया जाता है, यानी 18 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
नेत्र में कॉर्निया का दान किया जाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और इस झिल्ली को कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है कहलाती है समजन या फिर रेटिना या फिर आम संजन या फिर उपरोक्त सभी। तो 19 नंबर के ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा समजन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन या फिर अपवर्तन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा विवर्तन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में हो या फिर जब वस्तु 2f पर हो या फिर उपरोक्त सभी। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी यहाँ पे इसने 21 नंबर क्वेश्चन देखना है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस द्वारा है वो प्रतिबिंब बनता है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग भी उपरोक्त सभी में ही किया जाता है, भी दाढ़ी बनाने में, गाड़ी की हेडलाइट व सर्च लाइट बनाने में या फिर निकट दृष्टि दोष के निवारण में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस कौन सा होता है, भी जो लेंस बीच में मोटा और किनारे पतले होते हैं या फिर जो लेंस बीच में पतला होता है और किनारे मोटे होते हैं या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जो लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे पतले होते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया, कॉम्पटन ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने या फिर मैक्सवेल ने। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कॉम्पटन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, भी आभासी, उल्टा व सीधा होता है या फिर वास्तविक सीधा व छोटा होता है या फिर आभासी सीधा व छोटा होता है या फिर वास्तविक उल्टा व बड़ा होता है। तो आपका राइट आंसर हो फ्रेंड्स वो हो जाएगा आभासी उल्टा व बड़ा होता है, आभासी उल्टा व बड़ा होता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, दोनों को या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभिसारी लेंस है वो उत्तल लेंस को बोलते हैं, भी अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को बोला जाता है और अपसारी लेंस है वो अवतल लेंस को बोलते हैं, अपसारी अवतल और अभिसारी उत्तल। खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है या फिर वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, भी खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि कोई पिंड साम्य कंडीशंस के दोनों ओर इधर उधर गति करता है तो उसकी गति कहलाती है दोलनी गति, आवर्त गति या फिर कांपनिक गति या फिर ए व सी दोनों। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी दोलनी गति भी कहलाएगी और कांपनिक गति भी कहलाएगी, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखो, आवर्ती गति का उदाहरण है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना, घड़ी की पेंडुलम की गति, या फिर घड़ी की सुइयों की गति, या फिर उपरोक्त सभी। तो 29 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। सारी की सारी जो गतियां हैं वो क्या है, आवर्त गति का एग्जाम्पल है, आवर्ती गति का एग्जाम्पल है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, क्वेश्चन है सरल आवर्त गति किस गति का एक प्रकार है, दोलनी गति का, हृदय की गति का, या फिर आवर्त गति का, या फिर लोलक गति का। तो आपका राइट आंसर हो फ्रेंड्स सरल आवर्त गति है वो एक दोलनी गति का एग्जाम्पल है, दोलनी गति का एग्जाम्पल है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आवर्त काल का मात्रक होता है, आवर्त काल का मात्रक होता है हर्ट्ज, सेकंड, मीटर, सेंटीमीटर। तो 31 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड, आवर्त काल का मात्रक सेकंड होता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आवर्त काल का मात्रक होता है, ये भी दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे आवर्ती कर लो फिर, ठीक है, हाँ आवर्ती है, आवर्ती का मात्रक बताना, ऊपर है अपने पास में आवर्त काल का मात्रक है और निचला जो क्वेश्चन है वो है आवर्ती का मात्रक, ठीक है। आवर्ती का मात्रक कौन सा है, सेकंड है, मीटर है, हर्ट्ज है, या फिर पास्कल है। तो आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखो अभी, आवर्त काल टी के व्युत्क्रम को कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, या फिर आवर्ती कहते हैं, या फिर विस्थापन बोलते हैं, या फिर समय बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स वो हो जाएगा आवर्ती बोलते हैं, ठीक है, आवर्ती बोला जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आवर्ती को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वी बराबर क्या होता है, वन अपॉन में टी होता है, वन अपॉन में टी होता है। अगला क्वेश्चन देखो अभी, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन है झूला झूलते समय लड़के के बगल में एक और लड़का बैठ जाए तो क्या होगा, भी आवर्त काल वही रहेगा, या फिर झूला यथावत रहेगा, या फिर ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आवर्त काल द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, भी आवर्त काल है वो द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, अतः आवर्त काल वही रहेगा, झूला भी यथावत चलता रहेगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, आवर्त सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का वेग होगा, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का वेग क्या होगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यू इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू रूट में आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, कला नियतांक का प्रतीक चिन्ह होता है, कला नियतांक का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा इस प्रकार से प्रतीक चिन्ह होता है इसका, इस प्रकार से जीरो, यहाँ पे जीरो लिख करके, जीरो रिप्रेजेंट कर करके इसके बीच में से इस प्रकार से आता है ये, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे कला नियतांक का प्रतीक चिन्ह, समझ में आ गई बात। अगला देखो, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई है वो 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, भाई आवर्त काल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 2% कम हो जाएगा, 2% बढ़ेगा, या फिर 4% कम हो जाएगा, या फिर 4% बढ़ेगा। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आवर्त काल है वो 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आवर्त काल को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी इक्वल क्या होता है 2π, टी इक्वल क्या होता है 2π इंटू क्या होता है रूट वन अपॉन में जी होता है, वन अपॉन में जी होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ कहलाता है, कोई भी माध्यम है उसमें उत्पन्न विक्षोभ, तरंग, यांत्रिक, ध्वनि, बल। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा तरंग कहलाएगा, भी तरंग कहलाता है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, निम्न में से सरल आवर्त गति की विशेषता बताओ, भी
सरल आवर्त गति की विशेषता बताइएगा। गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, उसका त्वरण शून्य होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तरंगों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2, 5, 4, 1। तो हमने तरंगों का जो डिवाइडेशन किया था वो किया था दो पार्टों में डिवाइडेशन किया था इसका। पहला हो जाएगा यांत्रिक तरंग और दूसरा हो जाएगा अयांत्रिक तरंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, वे तरंगें कौन सी है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग, दोलनी तरंग, या फिर अयांत्रिक तरंग। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यांत्रिक तरंगों को क्या है, मीडियम की आवश्यकता होती है। अभी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तथा विद्युत तरंगों या फिर अयांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, माध्यम के कणों के दोलन की दिशा के आधार पर तरंगे कितने प्रकार की होती है? तरंगे हैं वो कितने प्रकार की होती है? तो तरंगे हैं वो दो ही प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग दो ही प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, माध्यम के किसी भी कण के एक चक्कर के समय तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? आवर्ती, विक्षोभ, तरंग दैर्ध्य या फिर आवर्तकाल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 43 नंबर क्वेश्चंस में वो हो जाएगा तरंग दैर्ध्य कहलाता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकने पर किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुगामी, अप्रगामी। तो 44 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अभी 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कणों का कंपन कैसा होता है? तरंग की दिशा के अनुदिश, या फिर तरंग की दिशा के लंबवत, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा तरंग की दिशा के लंबवत होता है लंबवत होता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, किस प्रकार की तरंग का संचरण सभी माध्यमों में हो सकता है? किस प्रकार की तरंग का संचरण है वो सभी माध्यमों में हो सकता है? अनुदैर्ध्य तरंग, अप्रगामी तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो 46 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखो, यांत्रिक तरंगे क्या है? निम्न में से यांत्रिक तरंगे हैं, जल की तरंगे, ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि यांत्रिक तरंगों के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखो, 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण यांत्रिक तरंगों का संचरण किसी भी माध्यम में हो सकता है? प्रत्यास्थता, जड़त्व, ए व बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, संचरण किसी भी माध्यम में हो सकता है, यांत्रिक तरंगों का संचरण है वो किसी भी माध्यम में हो सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, प्रत्यास्थता और जड़त्व, प्रत्यास्थता और जड़त्व, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वह तरंग कौन सी है जो निर्वात में भी संचरण करती है? अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, यांत्रिक तरंग, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन देखो, अभी आपके सामने क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, या फिर उपरोक्त सभी। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो एक क्या है, उपरोक्त सभी है, यानी प्रकाश तरंगे भी हैं
और रेडियो तरंगे भी है और गामा तरंगे भी है, यानी ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।